हेलो दोस्तों, रोज की ढेर सारी प्रॉब्लम से निपटने का ढेर सारा समाधान लेकर आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। मेरी आज की जो पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह के कांच के ग्लासेस को लेकर है। कांच के ग्लास, कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे घर में पार्टी थी, मैंने ढेर सारे कांच के ग्लासेस निकाले और इनको मैं शॉप से अच्छे से पैक करवा कर लाई थी। अब जब मुझे रखना हुआ तो मुझे प्रॉब्लम ये आई कि मैं इनको रखूँ कैसे, क्योंकि शॉप वालों के पैकिंग का तरीका अलग होता है। वो एक छोटे सी जगह पर भी ढेर सारी चीज़ों को पैक कर देते हैं। अब मैंने जब इन ग्लासेस को रखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ग्लासेस तो ज़्यादा हैं और बॉक्स तो छोटा है। फिर मैंने ये छोटी सी ट्रिक लगाई, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ये ग्लास डाला, ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि ग्लास को इस तरह से पलट कर रखना शुरू कर दिया और ये देखिए, आपके देखते ही देखते इतनी सी जगह में भी मैंने चार ग्लासेस बहुत ही इजीली एडजस्ट कर दिए हैं। और इसके बाद भी हम चाहें तो एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास बहुत ही आराम से एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो है ना दोस्तों, कमाल की टिप। मेरे ख्याल से आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो टिप है, अचार के बचे हुए तेल और मसालों को लेकर है। हमारे सबके घर में अचार का बचा हुआ तेल मसाला होता है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करें, इनका इस्तेमाल मैं बहुत सारे तरीक़ों से करती हूँ, धीरे धीरे आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो मेरी जो अचार के तेल के इस्तेमाल करने की पहले टिप होती है, वो होती है कि आप अचार के तेल को ऊपर ऊपर से निकाल लें, मसाले को रहने दें। मसाले का क्या इस्तेमाल है वो मैं आगे आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। वैसे मैंने पूरी एक वीडियो डाली हुई है अचार के तेल मसालों के इस्तेमाल को लेकर, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। देखिए, अब अचार का तेल हमने निकाल लिया। अब जब हम लोग घर पे किसी तरह के कोई पराठे सेकते हैं, किसी भी तरह के पराठे, जैसे मैं यहाँ पर दाल का पराठा सेक रही हूँ, मैंने आटे में गूंथे हुए आटे में दाल को अच्छे से मिक्स किया है और वो पराठे में बना रही हूँ। इसमें मैं क्या करूँगी, अचार के तेल का यूज़ करूँगी पराठों को सेकने के लिए। इससे हमारे पराठों में एक अलग सा चटपटापन आता है, पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं और इन पराठों को आप बिना किसी अचार के, चटनी के बहुत ही ईजिली खा सकते हैं। सिंपल चाय का एक कप लीजिए और दो पराठे लीजिए, हो गया आपका ब्रेकफास्ट तैयार। इस तरह से अचार के तेल का इस्तेमाल आप पराठों को सेकने में करिए, ये बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों, वो इस तरह के बॉटल्स को लेकर है। किसी भी तरह के डिब्बे वगैरह होते हैं, जब ये चीज़ें खर्च हो जाती हैं, हम सोचते हैं कि इनका स्टिकर उतार कर डिब्बों को अपने पास रख लें कुछ और अलग से इस्तेमाल करने के लिए, पर स्टिकर के जो दाग होते हैं, जो एक चिपचिपापन होता है इसमें, वो इन्हीं में रह जाता है। अगर हम इस पर कोई ड्राई चीज़ छिड़क दें, जैसे कोई पाउडर वगैरह, तो स्टिकर के दाग बहुत ही भद्दे लगते हैं। और इनको उतारने का बहुत छोटा सा उपाय है जो हर बार ट्राई करती हूँ, वो मैं आपके साथ भी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। कोई भी बॉटल होती है उस पर स्टिकर लगे ही होते हैं, तो उनके दाग को इजीली रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होगा नेल पेंट रिमूवर। और इसके बाद से इसे थोड़ा सा कॉटन मिलेंगे और नेल पेंट रिमूवर से हम यहाँ पर इस दाग को अच्छे से रब कर देंगे। देखते ही देखते आप देखेंगे कि जो स्टिकर के दाग है, जो एक चिपचिपापन है डब्बे का, वो निकल जाता है। अगर आपको लगता है कि दाग अभी भी है तो थोड़ा सा रिमूवर और ले लीजिए और भी अच्छे से इसको रब कर दीजिए। इस तरह से हम हर बॉटल को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी मॉइस्चराइजर या फिर किसी पाउडर या फिर शैम्पू वगैरह के बॉटल्स को क्लीन करने के लिए ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से स्टिकर के दाग निकल जाते हैं, इसका चिपचिपापन खत्म हो जाता है और बॉटल रीयूज़ करने के लिए रेडी हो जाती है। इसे आप चाहें ऊपर से वॉश भी ना करें तो भी ये बॉटल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। और ये आइडिया आप हर तरह के डिब्बों पर अपना सकते हैं। अब यही बढ़ते हैं आज की सबसे मेन टिप की तरफ। हमारी आज की जो मेन टिप है वो वॉशिंग मशीन को लेकर है। वॉशिंग मशीन आप जो भी इस्तेमाल करते हो, फुली ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक, जैसे मेरे पास दोनों तरीके की वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में जब हम लोग कपड़े धुलते हैं, धुलने के बाद आपने देखा है कि कपड़ों में एक तरह के रिंकल्स पड़ जाती हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कपड़ों में रिंकल्स पड़ी हुई हैं। हम चाहे जो भी कपड़े डालें, जिस भी मशीन में डालें, कपड़ों में रिंकल्स होती है और इन रिंकल्स वाले कपड़ों को ऐसे पहना नहीं जा सकता। इनको बिना प्रेस किए तो हम पहन ही नहीं सकते, साथ ही प्रेस में जो टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए आज एक छोटा सा उपाय शेयर कर रही हूँ आपके सबके साथ कि जब भी आपके वॉशिंग मशीन के कपड़ों में इस तरह के रिंकल्स पड़ जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कपड़े किसी भी फैब्रिक के हो सकते हैं, तो उस टाइम पर मैं एक छोटा सा उपाय करती हूँ। जब भी कपड़ों को निकालती हूँ मशीन से और जिन कपड़ों में रिंकल्स ज़्यादा होते हैं उनको छाँट कर अलग कर लेती हूँ, या फिर सेमी ऑटोमेटिक में जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ वो आप स्पिन के टाइम पर भी कर सकते हैं। जैसे इन कपड़ों में रिंकल्स मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो मैं क्या करूँगी, कपड़ों को वापस से हम यहाँ पर अंदर डाल देंगे वॉशिंग मशीन में, और उसके बाद से हम लेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, हम लेंगे बर्फ़ का थोड़ा सा
पार्ट, यानी कि जो आइस क्यूब्स हमारे घर में जमे होते हैं वही हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पर ये पूरा मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, डरिए मत, हमें सिर्फ दो मुट्ठी आइस क्यूब्स की ज़रूरत होगी। आइस क्यूब्स को लेना है और कपड़ों के बीच बीच में इस तरीके से डाल देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लगभग 8 से 10 कपड़े निकाले हैं और मैं 2 से 3 मुट्ठी आइस क्यूब्स का यूज़ करने वाली हूँ। और इन आइस क्यूब्स को आप पूरी मशीन में फैलाकर इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद से मशीन का डोर बंद करना है हमें, और जो इसमें नॉर्मल रिंस होता है 30 मिनट का एक क्विक वॉश होता है वो हर मशीन में होता है। पानी का टेम्परेचर आपको सिंपल रखना है, एकदम नॉर्मल ठंडे पानी के मोड पर, और 30 मिनट के लिए इसको चला दीजिए। इससे सारे कपड़ों के जो रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और 30 मिनट के बाद आपको कपड़े ऐसे मिलेंगे जैसे कपड़े आपने हल्के से आयरन भी किए हुए हों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल की टिप है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी यही टिप दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भी मैंने कुछ कपड़े अलग करके रखे थे, इनको हम डालेंगे अपने स्पिन टब में। जिन कपड़ों में आपको लगता है कि रिंकल्स ज़्यादा पड़ गए हैं उनको आप छाट लीजिए और स्पिन टब में डाल दीजिए, या फिर यही वाला प्रोसेस आप कर सकते हैं। कपड़ों को जब आपने रिंस कर लिया, आपको इनको ड्रायर में चलाना है, तो आप सबसे पहले कुछ कपड़ों को डालिए और फिर क्या करेंगे हम थोड़े से आइस क्यूब्स लेकर कपड़ों के बीच में इस तरह से डाल देंगे। इसके ऊपर भी आप थोड़े से कपड़े और डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगभग 8 से 10 छोटे छोटे कपड़ों को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे कपड़े हैं, इनको डालकर अच्छे से रख दीजिए और वापस से थोड़े से आइस क्यूब्स और डालेंगे, यानी कि लगभग एक बार के कपड़ों में हमें 2 से 3 मुट्ठी आइस क्यूब्स की ज़रूरत होती है। इनको डालने के बाद अब यहाँ पर स्पिन टब का ढक्कन लगाना जरूरी है, अच्छे से लगा दीजिए। उसके बाद से आप पूरा एक राउंड जितना भी आप ड्राई होने के लिए कपड़ों को स्पिन टब के लिए चलाते हैं, जैसे मैं पूरा राउंड यहाँ पर घुमा दिया है मैंने, तो अब कपड़े जो है हमारे चलेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हमारा जो फुली ऑटोमेटिक कपड़े हैं वो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए 30 मिनट चलने के बाद कपड़े हमारे एकदम बढ़िया से हो चुके हैं, इनमें अलग से कोई रिंकल्स नहीं है। साथ ही इनो अगर हम अच्छे से झाड़ के फैला दें तो हो सकता है कि बिना आयरन किए भी पहनने लायक हो, तो घर पे तो हम कभी कभी ऐसे कपड़े पहन ही लेते हैं। अब जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक है वो भी पूरा राउंड लेकर बंद हो चुकी है, चलिए इसके भी कपड़े चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी इसके ढक्कन को हटाएंगे और कपड़ों को मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कपड़े जो हैं हमारे एकदम बढ़िया से रिंकल फ्री हो चुके हैं, और सेमी ऑटोमेटिक में ये फ़र्क आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ये देखिए हमारे कपड़े कितने बढ़िया से एंटी रिंकल हो चुके हैं, इनको हम चाहें तो आराम से झाड़ कर फैला दें और फिर इनको घर पर ऐसे पहन भी सकते हैं। तो हमारे हाफ आयरन का खर्चा जो है दोस्तों इस टिप से बच जाता है। है ना ये कमाल की टिप, और टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की टिप्स लेकर आपके लिए हाजिर होती रहूँगी अपने चैनल पर। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल की पहली गिव अवे की विनर डिसाइड हो चुकी है, सेकेंड विनर में क्या पता आपका नाम हो। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और करते रहिएगा अपने ब्यूटीफुल से कमेंट।